अमेरिका ने 1H वीजा पॉलिसी में बदलाव का प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों में वही विदेशी कर्मचारी काम कर पाएंगे जो सर्वश्रेष्ठ होंगे। अमेरिका के इस फैसले से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को बड़ा झटका लग सकता है। बता दें, अमेरिका के 50 राज्यों में 100 भारतीय कंपनियां हैं और इनमें करीब 1,13,000 लोग काम कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव का सबसे ज्यादा असर अमेरिका में भारतीय IT कंपनियों पर पड़ेगा। यही कंपनियां H-1B वीजा के तहत कर्मचारियों को अमेरिका बुलाती हैं। बुधवार को अमेरिका के गृह विभाग और US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने जनवरी 2019 के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके मुताबिक H-1B वीजा उन्हीं विदेशी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो अपने काम में अव्वल रहे हैं। अमेरिकी गृह मंत्रालय के मुताबिक H-4 वीजा भी खत्म किया जा सकता है। यह वीजा H-1B वीजा धारकों की पत्नियों को दिया जाता है। वीजा के तहत पत्नियां भी अमेरिका में काम कर सकती हैं। H-4 वीजा का रद्द होना करीब 70,000 महिलाओं पर असर डाल सकता है। बता दें, H-1B एक नॉन इमिग्रेट वीजा है जिसे अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है। टेक कंपनियां इसी आधार पर भारत, चीन जैसे देशों से हजारों कर्मचारियों को अपने यहां बुलाती हैं। सामान्य रूप से विदेशी कर्मचारियों के लिए इस वीजा की अवधि 3 से 6 साल तक की होती है। 3 से 6 साल होती है, तो कह सकते हैं अमेरिका के इस फैसले का अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीयों लोगों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।